सीएस के सुप्रिंटेंडेंट सर को, हमारे धनबाद के सिविल सर्जन और धनबाद एसडीएम सर को। हमारा जो ये मांग है ये कोई नया नहीं है, ये 10 साल पुराना मांग है कि हमारे जिले में जो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं इनके लिए प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर जांच और एक इनके लिए एक स्पेशल वार्ड होता है। समाज सेवी अंकित राजगढ़िया, समाज सेवी रविशेखर थैलेसीमिया बच्ची आराध्या के पिता गणेश शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि थैलेसीमिया को लेकर उनकी मांग पूरी नहीं हुई और अब वह आगे धरना देंगे। अंकित ने बताया कि उन्होंने उपायुक्त ऑफिस, SNMMCH हॉस्पिटल, सुप्रिंटेंडेंट, सिविल सर्जन और अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद से मिलकर थैलेसीमिया बच्चों की जीवन रक्षा हेतु दो मुख्य मांगों को रखा था। इसमें बच्चों के लिए दवाई और डीजे केयर सेंटर की मांग की गई थी। मांग पत्र में 3 दिन का समय दिया गया था, यह मांग पूरी नहीं हुई है, इसलिए अब थैलेसीमिया बच्चों के उनके परिजनों के साथ धरना देने पर मजबूर हो रहे हैं। अंकित ने आगे बताया कि वह 10 साल से हर जगह डीजे केयर सेंटर की मांग कर चुके, लगातार बच्चे दवाई और जांच के अभाव में मर रहे हैं। डे केयर सेंटर में कम से कम वह नहीं मरेंगे। सरकार को हमारी मांगे माननी होगी और यह भी बताया कि यह धरना शांतिपूर्ण होगा और धरना को धनबाद की कई स्थानों में समर्थन दिया गया है। रोटी बैंक यूथ क्लब के अध्यक्ष रविशेखर ने बताया कि बच्चों की जीवन रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हमारा आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। समस्या है, आप कल से धरना पर बैठे हैं, क्यों बैठेंगे? एक्चुअली 3 दिन पहले जिला प्रशासन को हमने एक ज्ञापन दिया था जिसमें से DC ऑफिस में दिया गया था, मैडम नहीं मिली थी। उसके बाद PMCH के सुप्रिंटेंडेंट सर को, हमारे धनबाद के सिविल सर्जन और धनबाद SDM सर को। हमारा जो ये मांग है ये कोई नया नहीं है, ये 10 साल पुराना मांग है कि हमारे जिले में जो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं इनके लिए प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर जाँच और एक इनके लिए एक स्पेशल वार्ड होता है जिसको हम लोग डे केयर सेंटर कहते हैं। इसमें लगभग 70 से 80 लाख रुपये का लागत आता है बनाने में। इसके लिए कई बार पूर्व के 4 स्वास्थ्य सचिव को दिया हुआ है, पूर्व के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अभी के वर्तमान के कई अधिकारी से पदाधिकारियों को यह ज्ञापन दिया, पर किसी ने भी, इन्हीं ने भी हमारी मांग को आज तक नहीं समझा। अंततः लास्ट उपाय अब हमारा ये है कि हमें इन छोटे छोटे बच्चों और इनके माता पिता के साथ हमें अपनी मांगों को लेकर धरना बैठना पड़ रहा है। हमारी सिर्फ दो मुख्य मांगे, PMCH में विगत 22 महीने से थैलेसीमिया बच्चों का जो जीवन रक्षक दवा होता है वो नहीं है। कल अस्पताल प्रबंधन कहता है कि मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि हम दवा मंगा दिए। पहले तो कॉल आया कि आप दवा लोकल परचेज कर लेंगे, कहीं है तो बता दीजिए। ये 10 से 20 पीस दवा खरीद लिए और अब कह रहे हैं कि हम दवा का स्टोर कर लिए, जबकि धनबाद में 250 बच्चे हैं। उसके बाद गिरिडीह, जामताड़ा, बोकारो, हजारीबाग, आसपास के जितने भी जिले हैं हमारे धनबाद से जो सटे हुए, सबके थैलेसीमिया बच्चे धनबाद में आते हैं। डे केयर सेंटर हम क्यों मांग रहे हैं? डे केयर सेंटर इन बच्चों के लिए एक स्पेशल वार्ड होता है जिसके बनने के बाद वहाँ पे जो अभी ट्रीटमेंट इनका करती है नर्स, ये ANM और GNM होती हैं, लेकिन डॉक्टर जो ट्रीट करते हैं वो सिर्फ पीड़िया के डॉक्टर यानी बच्चों के डॉक्टर हैं। लेकिन इन बच्चों को बीमारी किससे रिलेटेड है? इन बच्चों को जो बीमारी है वो ब्लड से रिलेटेड है, यानी डिपार्टमेंट है हेमाटोलॉजिस्ट, हमारे धनबाद में एक भी हेमाटोलॉजिस्ट नहीं है। इन बच्चों का इलाज पीड़िया के द्वारा किया जा रहा है। डे केयर सेंटर जब खुल जाएगा तो इन बच्चों का जो इलाज होगा वो हेमाटोलॉजिस्ट के डॉक्टर करेंगे। वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि नर्स जाके जेल को लगा देती है, ब्लड चढ़ा देती है और नर्स अपना घूमती है, दोनों हर तरफ के मरीज को देखती हैं। लेकिन जब डे केयर सेंटर खुल जाएगा तो प्रॉपर जब तक बच्चे भर्ती हैं वहाँ पे तब तक नर्स को इनके साथ बैठना होगा उस वार्ड में प्रॉपर तरीके। स्वास्थ्य मंत्री को आप लोग ज्ञापन दिया? मैंने स्वास्थ्य मंत्री को नहीं दिया, पूर्व के स्वास्थ्य सचिव को मैंने दिया था, जो हमारे अरुण कुमार सिंह थे, मैंने उससे पूर्व हमारे नितिन कुलकर्णी सर को मैंने दिया था, KK सोन सर हमारे जब स्वास्थ्य सचिव थे तो उनको दिया था, उससे पहले हमारी कई बार स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पे धनबाद में आगमन होते, उनसे क्यों नहीं आप लोग? स्वास्थ्य मंत्री पिछले 5 साल का कार्यकाल झारखंड सरकार का पूरा होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री कितनी बार धनबाद आए और कितनी बार PMCH दौरे पे गए, वो अपने कांग्रेस की मीटिंग करने, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने का उनको समय है, लेकिन PMCH के हमारे SNMCH मेडिकल कॉलेज में जो तकलीफें हैं मरीज को उनके लिए इनको सूद नहीं है। दूसरा क्या है, PMCH में एक छोटा सा वार्ड बनाया गया था कई सालों पहले जिसका नाम था जेनेटिक वार्ड, उस जेनेटिक वार्ड को भी विगत कई सालों तक बंद रखा गया। ये तो अभी 10-15 दिन पहले उस वार्ड को इसलिए चालू करना पड़ा क्योंकि मौसम जो परिवर्तन हुआ, इस मौसम में बच्चे काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं, तो इनका जो नॉर्मल पीडिया वार्ड है वो काफ़ी हाउसफुल चल रहा है। 2 नर्स के भरोसे PMCH में 100 बच्चे हैं, इन बच्चों को कहाँ भर्ती रखा जाता है? जो नॉर्मल बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि बच्चे को अगर सर्दी है, खांसी है, बुखार है,
किसी बच्चे को कैंसर है, किसी बच्चे को HIV है या किसी बच्चे को TB है, तो ये सारे मरीज एक साथ भर्ती हैं। उन्हीं मरीजों के बीच में इन बच्चों को भी रखा जा रहा है, जबकि ये ऑलरेडी जन्म के वक्त से एक थैलेसीमिया जैसी घातक बीमारी से जी रहे हैं। कितने दिन धरना पर आप लोग बैठेंगे? हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, कम से कम 3 दिन का है ये। और फिर से एक बात, ये बच्चे रात में भी बैठेंगे, अगर इन बच्चों को कुछ भी होता है तो मैंने ज्ञापन में दिया हुआ कि इन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी जिला स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, सिविल सर्जन और धनबाद उपायुक्त को लोकल स्तर पर आपने लिखित दिया है? हाँ, मैंने सिविल सर्जन, मैंने SDM महोदय को दिया है, DC ऑफिस में DC मैडम नहीं मिली थी तो मैंने रिसीविंग लिया और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण लेटर है, आप DC मैडम को काइंडली दे दीजिए, पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अंकित राजगढ़िया हुआ और ये रविशेखर है।